हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शुभम त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, हयात एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत जनरल सा टॉपिक लेकर के हूं, कोई किसी पर्टिकुलर क्लास का टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया है कि स्टूडेंट्स की जो बहुत बड़ी दिक्कत रही है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एस्पिरेंट हो उसकी जो सबसे बड़ी दिक्कत रही है, वो दिक्कत मैथ की स्पेशली बात करूं तो वो रहती है टाइम मैनेजमेंट। तो मैं आज इसी पर थोड़ा सा डिस्कशन आप लोगों के साथ करने आया हूं कि हम लोगों को अगर कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट में सर्वाइव करना है या कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट में जीना है तो हम लोगों को अपनी ट्रेडिशनल स्टडी में थोड़ा सा चेंज लाना होगा। अगर हम लोग बात करें 10th क्लास की, वहां हम लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही हम लोगों के लिए 12th क्लास के अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें, वहां भी टाइम मैनेजमेंट हम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वहां भी हम लोगों के पास प्रॉपर टाइम होता है, सफिशियंट टाइम होता है, वहां टाइम मैनेजमेंट इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता। बट जैसे ही हम लोग कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट में उतरते हैं, वो बात चाहे हम लोग जेईई मेंस, जेईई एडवांस की करें, वो बात चाहे हम लोग एनडीए की करें, वो बात चाहे हम लोग बिटसेट की करें, वो बात हम लोग किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस की करें, और इवन हम लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, अगर उस एग्जाम के अंदर आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स सिलेबस में है तो फिर हर जगह ये दिक्कत आती है टाइम मैनेजमेंट की। स्टूडेंट्स जब एग्जाम देकर के निकलते हैं तो उनका कहना यह होता है कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें हम लोग कर सकते थे बट टाइम नहीं बचा। मेन दिक्कत ये आती है हर एक स्टूडेंट को। अब मैं आप लोगों को ये और बता दूं कि अगर आप लोग इवन आईएएस का एग्जाम भी दें तो वहां भी आप लोगों का जो सी सेट वाला एग्जाम है उसमें मैथमेटिक्स आप लोगों का एक पोर्शन है। हम लोग कोई भी एसएससी का एग्जाम दें, वहां भी हम लोगों के लिए मैथमेटिक्स हमारा मेन पार्ट बन करके आता है। अगर माना हम लोग इंजीनियरिंग के बाद किसी कंपनी के प्लेसमेंट ड्राइव में हैं, माना हम लोग जो सबसे पहला टेस्ट होता है किसी भी कंपनी के प्लेसमेंट ड्राइव में, वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और उस एप्टीट्यूड टेस्ट में भी हम लोगों को इस मैथ को फेस करना है, वहां भी टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और टाइम मैनेजमेंट में जो सबसे बड़ा रोल रहता है वो रहता है कैलकुलेशन का, कि कैलकुलेशन को कैसे हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करें, कैलकुलेशन हमारी स्पीडी कैलकुलेशन आ जाए, बहुत कम टाइम में हम लोग कैलकुलेशन कर पाए। और उसी का एक बहुत बेहतरीन टूल है, वो टूल है वैदिक मैथमेटिक्स। तो आज मैं आप लोगों को उसी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए आप लोगों के सामने हूं कि ये वैदिक मैथमेटिक्स एक्चुअल में हमारे लिए कितना यूजफुल है और क्या ये चीज हमें सिखाता है। तो ये जो वैदिक मैथमेटिक्स है, एक्चुअल में ये कोई अलग से सिलेबस नहीं है, ये हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग जो बचपन से पढ़ते आए हैं, हम लोग कॉपी पेन का यूज करते हैं। जितने भी अगर हम लोगों को दो नंबर्स ऐड भी करने होंगे तो उसके लिए भी हम लोग कॉपी और पेन का यूज करते हैं। ये वैदिक मैथमेटिक्स करता क्या है कि ये इसकी कोशिश ये है मैथमेटिक्स की कि ये बिना कॉपी पेन के आप लोगों को कैलकुलेशन करना सिखाता है, माइंड कैलकुलेशन करना सिखाता है, डायरेक्ट आप लोग आंसर लिख पाए ये ऐसी कैलकुलेशन करना सिखाता है, और टाइम ये मानकर के चलेगा कि 70-80% टाइम रिड्यूस कर देता है। और इसके अंदर कोई एक ट्रिक नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक ही ट्रिक से, मींस ये अपने आप में पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा सिलेबस है। वैदिक मैथमेटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो मैं आज आप लोगों के लिए उसी का एक छोटा सा ट्रायल, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये लेकर के आया हूं कि अगर हम लोग इस कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में कंपीट करना चाहते हैं तो हम लोगों को अपनी थोड़ी सी थिंकिंग में चेंज लाना होगा, तभी हम लोग दौड़ को पार कर पाएंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। अगर हम माना मैं 12th लेवल पर जो हमारा सबसे बड़ा एग्जाम है IIT, अगर मैं उसकी ही बात करूं तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जो हमारा 2020 का जेईई मेंस है उसमें जो एस्पिरेंट थे वो 11,18,000 एस्पिरेंट थे, और अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ IITs 23, और उनमें जो टोटल सीट हैं वो 16,000 के आसपास सीट हैं। मींस ये मान करके चलिएगा कि एक सीट के लिए जो लड़ाई है वो लड़ाई 70-80 बच्चों की लड़ाई है। तो वहां हम लोगों के लिए टाइम बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है।
तो मीन्स हम लोगों को अपनी जो ट्रेडिशनल, हम लोग जो 12th क्लास में या हम लोग जो बचपन से सीखते आए हैं, ये कैलकुलेशन से थोड़ा सा बाहर निकलना होगा, हम लोग को टाइम बचाना सीखना होगा। तो मैं एक बहुत छोटा सा ट्रायल आप लोगों के लिए दूंगा कि ये वैदिक मैथमेटिक्स हम लोगों के लिए कितना कारगर सिद्ध हो सकता है अगर हम लोग इस पर काम करें तो। लेकिन दिक्कत एक है कि जब मैं आप लोगों को ये ट्रिक सिखाऊंगा तो आप लोगों को लगेगा बहुत बेहतरीन ट्रिक है, बट ये चीज हम लोगों के लिए यूज में तभी आएगी जब हम लोग इन कैलकुलेशंस को अपनी डेली कैलकुलेशन में भी यूज करें। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली हम लोग जाकर के एग्जाम में इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। ये चीजें एग्जाम्स में हम लोग तभी अप्लाई कर पाएंगे जब हम लोग डेली कैलकुलेशन भी इन्हीं ट्रिक्स के थ्रू करें। देखिएगा, मैं आप लोगों के सामने जो आज ट्रिक बताने वाला हूं वो एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, लेकिन बहुत ज्यादा यूज की जाने वाली ट्रिक है। और ये किसी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी क्लास के लिए है, चाहे कोई बच्चा 5th क्लास का हो, 6th, 7th, 8th, मींस किसी भी क्लास का हो और कितनी भी बड़ी क्लास का हो, कोई भी एग्जाम आप लोग दें, हर किसी के लिए ये ट्रिक कारगर सिद्ध हो सकती है। तो देखिएगा, मैं जो आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा वो बताऊंगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर बहुत ज्यादा यूज में लाया जाता है, तो मैं इसलिए आप लोगों को एक स्क्वायर की ट्रिक बताने वाला हूं। देखिएगा, वो ट्रिक क्या है कि सपोज आप लोगों को दो ट्रिक बताने वाला हूं। सबसे पहली ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूं कि सपोज हम लोगों को एक नंबर का स्क्वायर करना है और वो नंबर ऐसा है कि उस नंबर के लास्ट में, लास्ट यानी उस नंबर की जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। उस नंबर की यूनिट डिजिट 5 है। जैसे माना नंबर लिखा हो 35, हमसे कोई कहे कि 35 का हमें स्क्वायर करना है, तो हम लोग जो ट्रेडिशनल कैलकुलेशन करेंगे वो ऐसे करेंगे कि 35 की 35 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने में 5 5 5 2 5 3 15 प्लस 2 कितना बनेगा 17, देन 3 5 15 5 1, 3 3 9 प्लस 1 10, मींस ये 5, ये 2 1 2, मींस इतना टाइम हम लोगों को एक 35 का स्क्वायर करने में लगेगा। बट अगर हम लोगों को ट्रिक पता हो तो देखो ट्रिक का कहना क्या है कि अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है और नंबर के लास्ट में अगर 30 लास्ट में अगर 5 है तो उस नंबर का जो स्क्वायर है उस नंबर के स्क्वायर में लास्ट में 25 आएगा। लास्ट में कितना आएगा 25। फिर आप लोग जिस भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उस नंबर में उस 5 को नेगलेक्ट मारो। 5 को नेगलेक्ट मार दिया, क्या बचता है 3। इस 3 से नेक्स्ट नंबर देखो, 3 से अगला नंबर कौन होगा, नेचुरल नंबर 4। तो 3 और 4 की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 और 4 की आपस में मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा 12। तो मींस यहां लिख दो 12। तो आप लोगों ने देखा आंसर 1225 आना था, आंसर कितना आ गया 1225 सेकंडों में आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कहूं कि 75 का स्क्वायर करना है, आप लोग कहेंगे लास्ट में अगर 5 है तो मींस जो इसका स्क्वायर आएगा उसके लास्ट में भी कितना आएगा 25 ही आएगा। फिर यहां 5 को नेगलेक्ट मारा, अगर 5 को नेगलेक्ट मारा तो यहां कितना बचा 7। अगर यहां 7 बचा तो 7 से नेक्स्ट नेचुरल नंबर कौन है 8, और 7 और 8 की आपस में क्या करनी है मल्टीप्लाई, कितना बन जाएगा 7 8 56। इसका मतलब यहां आ गया 56। आप लोग 75 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आंसर 5625 ही आएगा, चाहे आप लोग अपनी ट्रेडिशनल कैलकुलेशन से चेक कर सकते हैं। माना मैं आप लोगों से कहूं कि 95 का स्क्वायर करना है तो देखो कितना इजी है, सबसे लास्ट में कितना लिखो 25, और 9 से नेक्स्ट नेचुरल नंबर कौन है 10, और 9 और 10 की मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा 90, तो आंसर कितना आएगा 9025। आंसर 9025। इवन आप लोगों को अगर 105 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो बोलो लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में आएगा 25, देन 10 से नेक्स्ट नंबर कौन है 11, 10 और 11 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 110, तो मींस यहां कितना 110, यही हमारा आंसर आने वाला है। मींस ये सिर्फ मैंने उस नंबर के लिए आप लोगों को एक ट्रिक बताई है कि जिस नंबर के लास्ट में 5 हो। अब आपका यह भी जवाब हो सकता है कि सर जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक नंबर के लास्ट में 5 ही होगा, ऐसे नंबर भी तो हैं जिन नंबर के लास्ट में 5 नहीं मिलेगा। बिल्कुल, उनके लिए भी एक ट्रिक है, वो भी हम लोगों का टाइम सेव करेगी। क्या ट्रिक है देखो, वो भी ट्रिक आप लोगों को समझाता हूं। तो सपोज आप लोगों का जो नंबर है वो नंबर है 22, और हमें क्या करना है, हमें 22 का स्क्वायर करना है।
अगर हम अपने ट्रेडिशनल वे से करें तो 22 की 22 में मल्टीप्लाई करेंगे, बट अगर हम लोग ट्रिक से करें तो ऐसा ऐसा समझो कि जो हमारा आंसर आएगा उस आंसर में तीन पार्ट आएंगे, उस आंसर में तीन पार्ट आएंगे। यहां जो आएगा वो क्या आएगा, जो हमारा लास्ट वाला नंबर है उस लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करो। जब 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4, मींस यहां तो आने वाला है 4। यहां क्या आएगा, इन दोनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 की 2 में मल्टीप्लाई कितना बना 4, और जो भी मल्टीप्लीकेशन करके आए उसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 4 4 2 8, यहां कौन आया 8। और फिर यहां कौन आएगा, जो हमारा टेंस विजिट पे है उसका भी स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, यानी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 484। और देखिएगा एक नंबर के साथ, माना नंबर आप लोगों को 32 लिखा है, 32 का स्क्वायर, अगर 32 का स्क्वायर है कितने पार्ट आएंगे, तीन पार्ट आएंगे, और अगर तीन पार्ट आएंगे तो यहां कौन आएगा, यूनिट डिजिट पे जो है उसका स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना है 4। फिर इन दोनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई कितना बना 2 3 6, और फिर जो भी मल्टीप्लीकेशन करके आया उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 6 2 12, तो यहां सिर्फ एक ही डिजिट आएगी, तो यहां सिर्फ कितना आएगा 2, कैरी कौन जाएगा 1। फिर जो टेंस प्लेस पे है उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 + 1 कितना बन जाएगा 10, मींस यहां आएगा 10, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1024। एक एग्जांपल और देखो, माना आप लोगों के लिए जो नंबर लिखा है वो लिखा है 73 का स्क्वायर करना है, तो दोबारा से कितने पार्ट आने वाले हैं नंबर के अंदर, तीन पार्ट आने वाले हैं। 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, देन यहां जो आएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 3 7 21 21 into 2 42 42 का यहां कौन आएगा 2, कैरी कौन जाएगा 4। फिर 7 का स्क्वायर कितना 49 49 + 4 कितना बन जाएगा 53। तो मीन 73 का स्क्वायर अगर हम लोग चेक करें तो वो आएगा 5 5 3 2 9। इसे आप लोग अपने ट्रेडिशनल कैलकुलेशन से चेक भी कर सकते हैं और आप लोग मैच कर सकते हैं, एक बार ट्रेडिशनल कैलकुलेशन से करिएगा और एक बार इस ट्रिक से करिएगा, वैदिक मैथमेटिक्स से करिएगा, आप लोगों को पता चलेगा, टाइमर लगा करके चेक करिएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस है। तो मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन दो ट्रिक से हम लोग पूरा का पूरा वैदिक मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए छोटा सा ट्रायल था ताकि आप लोगों के अंदर ये इच्छा जाग सके कि हम लोग कैसे एक ट्रेडिशनल कैलकुलेशन से बाहर निकल सकते हैं और अपने टाइम को किस तरह से सेव कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।